महल है हवा महल में आप लोगों का स्वागत। जिस महल को आज आप लोग देखने के लिए आए हैं, 2 सेंचुरीज ओल्ड पैलेस है। जयपुर के 5th नंबर के किंग ने इसको बनवाया था 1799। विचित्र मंदिर, स्ट्रेंज टेंपल, सबसे ज़्यादा स्क्रीन से विंडो इसी फ्लोर के ऊपर है और विंडो का साइज़ भी सबसे बड़ा इसी फ्लोर पर देखने को मिलता है। तो राजस्थान में जो हवा का फ्लो रहता है 8 मंथ्स वेस्ट टू ईस्ट, 4 मंथ्स ईस्ट टू वेस्ट थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी वो भी दो ही डायरेक्शन में होती थी, रोड साइड में ईस्ट में या पैलेस के अंदर वेस्ट में। तो दोनों साइड की स्क्रीन स्लेंटिंग है, आपको अंदर से फ्लोर की एक्टिविटीज़ दिखाई देगी बट फ्लोर से आपको कोई नहीं देखेगा। तो जहाँ फंक्शन है वहाँ स्लेंट है, जहाँ फंक्शन नहीं है वहाँ स्ट्रेट है। क्राउन को कम्प्लीट करने के लिए शायद ये फ्लोर बनाई गई। और ये जो महल है ये जयपुर के सेंटर में बना हुआ है, पुराने शहर का सेंटर है ये। जयपुर की फाउंडेशन आम्बेर के लास्ट किंग जयसिंह ने रखी थी 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी से पहले यहाँ पर ये शहर नहीं था, जंगल था, और ये जो कछवाहा राजपूत हैं इनकी कैपिटल थी आम्बेर। 1000 ईयर्स तक आम्बेर कैपिटल रही। 16th सेंचुरी में ऐसा कुछ राइटर लिखते हैं कि वहाँ की जो प्रिंसेस थी उनकी शादी 3rd मुगल एम्परर अकबर के साथ हुई, जिनका नाम था जोधाबाई। वहाँ के आखिरी राजा चाहते थे अपनी कैपिटल को एक्सटेंड करना, पर हिल्स होने की वजह से जगह नहीं था, तब उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया और यहाँ पर नई कैपिटल बनाई। 18 नवंबर 1727 को फाउंडेशन रखी और फिर उसके बाद ये शहर बढ़ने लगा। जयसिंह आर्किटेक्ट थे, खुद ने इनको डिज़ाइन किया। तो ये 18th सेंचुरी का प्लान्ड सिटी है, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली 9 रेक्टेंगल्स में डिवाइडेड है। 2 रॉयल फैमिली के लिए हैं, 7 रेक्टेंगल्स पब्लिक के लिए बने हुए हैं। तो अभी अपन रॉयल रेक्टेंगल के अंदर है। कैसे बनता है रॉयल रेक्टेंगल? ये हवा महल के बैक साइड में रोड है जो नॉर्थ डायरेक्शन से आ रही है, और जैसे हवा महल क्रॉस करेंगे क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन से राइट साइड में टर्न करने के बाद टावर क्रॉस करते ही फिर क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, वहाँ से राइट और फिर वापस राइट आने के बाद ये जो पार्ट बनता है ये रॉयल फैमिली का हुआ करता था। सिटी जब बन गया तब इसकी डिफेंस के लिए वो किला बनाया गया पहाड़ के ऊपर जयसिंह के द्वारा, इसका नाम है नाहरगढ़ फोर्ट। 1734 का बना हुआ किला है। जब भी कोई आक्रमण होता था रॉयल फैमिली वगैरह सब ऊपर किले में शिफ्ट होते थे, अदरवाइज अपना एमिनेशन, ट्रेजर और शेल्टर लेने के लिए किले बनाए जाते थे। नमस्कार, मैं श्वेता कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से, और मेरे साथ हैं मिस्टर मनीष श्रीवास्तव दबोल कंपनी से, वेडिंग एक्सपर्ट, डेस्टिनेशन वेडिंग एक्सपर्ट, और मिसेज पूजा श्रीवास्तव। हेलो सर, कैसे हैं? मेरे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो सर से सीखना चाहते हैं डेस्टिनेशंस वेडिंग के बारे में, बिकॉज आप देश में विदेशों में डेस्टिनेशंस वेडिंग करते हैं। कुछ ऐसे टिप्स जो डेस्टिनेशन वेडिंग, बिकॉज जयपुर इज़ फेमस फॉर रॉयलिटी, राइट? आप जो भी डेस्टिनेशन करते हैं, हर एक डेस्टिनेशन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। जयपुर में, राजस्थान में रजवाड़ा शादियां होती हैं, तो किस डेस्टिनेशन आप बहुत अच्छी खूबसूरती से निभाते हैं? वैसे हर एक डेस्टिनेशन की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, तो कुछ आप बताइए। मेरे को 16-17 साल हो गए हैं इवेंट इंडस्ट्री के अंदर, और मैंने बहुत सारी रॉयल वेडिंग भी किया, बीच वेडिंग भी किया, माउंटेन्स में बहुत सारी वेडिंग की। तो लेकिन शादी की जब बात आती है तो कॉकटेल कहीं कर लो, हल्दी कहीं कर लो, संगीत कहीं कर लो, लेकिन जब शादी की बात आती है तो बात आती है रजवाड़ा, ठीक है? शादी की बात आती है तो बात आती है रॉयल, शादी की बात आती है तो आती है घोड़े और हाथी। ये सारी चीज़ें सिर्फ हिंदुस्तान में एक जगह पाया जाता है, उसका नाम है राजस्थान। तो अगर हम राजस्थान में कोई भी शादी करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको सब कुछ यहाँ पर मिल जाती है, और सब बहुत अच्छे क्लास के की चीज़ें मिलती है। और यही शादी अगर हम आर्टिफिशियली कहीं क्रिएट करें, मे बी अगर हमें डेली करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ेगा, बट तब भी वो फील नहीं आ पाएगा जो नेचुरल चीज़ों में आती है जो है। तो हम भी आज लोगों को समझाते हैं भाई कि अगर अच्छी, अगर आपको वेडिंग करनी है, रॉयल वेडिंग करनी है, तो राजस्थान चलो, जयपुर चलो, उदयपुर चलो, जोधपुर चलो। तो यहाँ पर लोगों को फील भी आता है और लोग बहुत हैप्पी भी होते हैं यहाँ पर शादी करने के बाद। बिल्कुल। और आपकी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वो कहाँ? जैसे आपने बोला कि एक राजस्थान तो है, उसके अलावा इंडिया की? इंडिया की तो बेस्ट है राजस्थान, अदरवाइज बाहर में मैं पसंद करता हूँ, ओवरसीज में काठमांडू में बहुत काम करता हूँ, नेपाल हमारा बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है, और इंडिया में तो राजस्थान है। और बाकी मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, तो बनारस में भी आजकल बहुत सारे डेस्टिनेशन वेडिंग होते हैं, वो भी हम करते ही हैं।
ओके सो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ सवाल जानना चाहेंगे, अगर कुछ आप लोगों के सवाल हो डेस्टिनेशन वेडिंग को लेके। हेलो सर, माय नेम इज अभिजीत कुमार, आई एम फ्रॉम पूर्णिया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एक डेस्टिनेशन वेडिंग में सर कुछ आप वेडिंग प्लानर के लिए या कोई बिजनेस कर रहे हो उनके लिए सर एक 5 टिप्स आप बताओ सर, यहाँ कुछ माइंड में रखना चाहिए यहाँ आने से पहले सर, एक डेस्टिनेशन वेडिंग करने से पहले। देखो 5 टिप्स का मतलब है 5 डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, तो पहला डिपार्टमेंट होता है पूरी वेडिंग को डिज़ाइन करना। उस डिज़ाइन करने में फिर सेव द डेट आता है, कोलेटरल्स आते हैं, हैम्पर्स आते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट फिर आएगा आपका जो टिप्स में, वो है पूरे जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं स्पेशली इन द डेस्टिनेशन वेडिंग जिस पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी हॉस्पिटलिटी और लॉजिस्टिक्स। ठीक है, बिकॉज डेस्टिनेशन है मतलब RSVP होगा। ठीक है, डेस्टिनेशन है मतलब ट्रेवल ट्रांसपोर्ट की पूरी प्लानिंग करनी है, हॉस्पिटलिटी की पूरी प्लानिंग करनी है। थर्ड जो टिप्स है, आपको पूरी वेडिंग का डेस्टिनेशन वेडिंग में जो भी आपके 5 फंक्शन है, 6 फंक्शन है, 7 फंक्शन है, सबकी इम्यूकुलेट डेकोर की बहुत अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए कि किस फंक्शन में क्या डेकोर करें, दूसरे फंक्शन में कैसे अलग करें, तीसरे फंक्शन में कैसे अलग करें, चौथा डिफरेंट कैसा हो, और लास्ट का तो एकदम रजवाड़ा रॉयल शादी कैसे हो। तो 3 ये जो डिपार्टमेंट है, अगर आपके ये 3 डिपार्टमेंट मजबूत हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती है। चौथा जो आता है वो आएगा कंप्लीट आपका जो फंक्शन है, पूरी जो डेस्टिनेशन वेडिंग है उसके अंदर आप सारे फंक्शन के अंदर डिफरेंट तरीके से एंटरटेनमेंट कैसे प्लान करें। ठीक है, किसी फंक्शन में DJ की इम्पॉर्टेंट है, किसी फंक्शन में सिंगर की इम्पॉर्टेंस है, किसी फंक्शन में रिचुअल सिंगर की इम्पॉर्टेंस है, तो फंक्शन वाइज कंप्लीट एंटरटेनमेंट। एंड 5वां ओवरऑल जो आपकी ये सारे फंक्शन है, आपके डेकोर हो गया, आपका एंटरटेनमेंट हो गया, आपके RSVP हो गया, आपका लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हो गया, फिर 5वां ये है कि सारे जितने भी फंक्शन हो इसको एक कौन कमांडर है जिस जो कि इन सारी चीज़ों को सेट कर सके, जो कि सारी चीज़ों को ओवरलुक कर सके। अगर ये 5 चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आप एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं। सो अभी हम हैं हवा महल में और 5th फ्लोर पर हैं, जिसको बोलते हैं हवा मंदिर, और आप वहाँ देखोगे वहाँ से दिख रहा है सिटी पैलेस और सामने दिख रहा है जंतर मंतर। तो यहाँ से इसके अलावा भी पूरा जयपुर भी मुझे एक साइड का दिख रहा है, आप बोल सकते हैं, बिकॉज हवा महल जो बना है वो जयपुर के बिल्कुल बीचों बीच में बना है। तो कहते हैं कि जो हवा महल है वहाँ पे जो जितनी विंडोज़ हैं हर तरफ से हवा आती है, और हम लोग 5th फ्लोर पे हैं तो यहाँ पे हम लोग को उसका फील भी हो रहा है। थैंक यू इवेंट टीवी को, और थैंक यू श्वेता, एंड थैंक यू इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। थैंक यू, और नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जुड़े रहिए इवेंट टीवी लाइव के साथ। थैंक यू सो मच।